मालवा का पीला सोना कही जाने वाली सोयाबीन इस बार किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसानों को दीपावली के पहले सोयाबीन के भाव ने निराश कर दिया है। किसान सोयाबीन की पैदावार कम होने के कारण पहले से ही परेशान थे। उधर अब सोयाबीन के भाव पर नए अधिनियम का भी व्यापक असर देखने को मिला है। किसानों को सोयाबीन की फसल से काफी उम्मीद रहती है। हर साल दीपावली का पर्व किसान परिवारों में सोयाबीन की फसल बेचकर ही मनाया जाता है। इस बार दीपावली से पहले किसानों को सोयाबीन के भाव निराश कर रहे हैं। इस बार किसानों की फसल पर प्रकृति की भी मार पड़ी है। किसानों का कहना है कि इस बार सोयाबीन की फसल घाटे का सौदा साबित हो रही है। मालवा अंचल में सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है। इस बार सोयाबीन पर प्रकृति की गहरी मार देखने को मिली है। सबसे पहले तो पानी के कारण सोयाबीन की पैदावार कम हुई और उसके बाद वायरस ने भी पैदावार पर असर डाला। जब फसल पककर मंडी में पहुंच रही है तो यहां पर भी किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा। वर्तमान में सोयाबीन 3500 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रही है। किसानों को उचित दाम न मिलने की वजह से अगली फसल बोने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। चना और गेहूं की फसल की बुआई करना अब आसान नहीं रहा। खाद बीज से लेकर सभी प्रकार की जुताई और दवा के छिड़काव के लिए रुपयों की जरूरत है, जबकि सोयाबीन की फसल में लागत अधिक होने की वजह से मुनाफा काफी कम हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से तिलन स्टॉक की सीमा लागू करते हुए इसी साल नया अधिनियम बनाया गया। यह नियम सोयाबीन के तेल के दाम पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, लेकिन यह किसानों पर भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश स्टॉक नियंत्रण व्यापारी अधिनियम के तहत खिरची व्यापारी 500 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन संग्रहित नहीं कर सकता और अगर वो इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा सोयाबीन प्लांटों को लेकर भी शर्तें लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत व्यापारी कुछ समय के कार्य के लिए सोयाबीन का भंडारण कर सकता है। तय सीमा से अधिक भंडारण करने पर कार्रवाई हो सकती है। इस नए कानून का असर सोयाबीन के भाव पर सीधा पड़ता हुआ दिखाई दिया है। व्यापारी किसी भी परेशानी में उलझना नहीं चाहते, इसलिए वे नियम अनुसार ही सोयाबीन की खरीदी कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।